स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें, कौन कौन सी समस्या है, आइए समस्या लिखते हैं। देखिए, भारत में अधिकांश नगरों में नगरीय अपशिष्ट का 30 से 50% कचरा बिना समुचित निपटान के छोड़ दिया जाता है। यानी कचरा कहाँ फेंकना किसी को पता ही नहीं चलता है, जहां तहां पड़ा हुआ है, समुचित उसका निपटान नहीं है। कई गलियों में मिल जाएगा, घर के पीछे खुले जगह पर मिल जाएगा, फिर घर का बगल में कोई खाली जगह, लोग वहीं कचरा फेंक रहे हैं। प्रति भूमि अगर कोई पड़ा हुआ है तो लोग वहां पर कचरा जमा कर देते हैं। तो इन जगहों पर आपको कचरा जमा मिल जाएगा, कहाँ, नगरों में। इसके कारण इन क्षेत्रों में निवासित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। जो इनके आसपास रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर कचरा का असर पड़ता है, क्योंकि आप कचरा फेंक देते हैं लेकिन कचरा से फैलने वाला गंदगी, जैसे कि मक्खी हो गया या इन कचरा से मच्छर उत्पन्न होता है। तो आपने अपना घर तो साफ कर लिया लेकिन जहां पर इसे फेंका वहां से मक्खी और मच्छर आपका घर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फिर जो है वायु, मृदा और जल प्रदूषण, जो कचरा है उससे वायु, मृदा और जल प्रदूषण भी होता है। तो ये सारी चीजें भी होगा, जैसे कि आपने कचरा रख दिया, अब कचरा में पानी पड़ा, बारिश का पानी, अब ये कचरा से जो गंदगी था उस पानी में मिला और फिर पानी धरती के नीचे चला गया, और फिर धरती के नीचे से आपके घर में तो पानी आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से कचरा कहीं भी फेंकी है वो आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा ही करेगा। तो बेहतर है कि आप वैसे प्रयोग वस्तुओं का प्रयोग करें जिससे कचरा कम से कम फैले।